सिखां दे विच गुरु साहब जी ने उस पिट भरी जिन्हों अपने पिंडे ते भी हंडाया। गुरु पंजम पातशाह जी ने, गुरु नौवें पातशाह जी ने आप शहादतां दे के ये जिहड़ा संगली पंथ दीआं पैड़ां चलाईआं। ते मैं कई बार सोचदा किड्डा वड्डा उह खजाना सानूं पवित्र गुरबाणी दीआं हत्थ लिखतां, सतगुरु जी दा मखार बिंद, भाई मनी सिंह जी दी कलम, बाबा दीप सिंह जी दी कलम ते हिस्से की आया। जे अज दा कोई सिख मेरे वर्गा हुंदा ते शायद मेहनताना मंगदा ते गुरु साहब कोलों बख्शिश की कीती कि भाई मनी सिंह जी ये पवित्र गुरबाणी जिहड़ी तुसीं अंकित कीती इहनूं पिंडे ते हंडाउणा, बंद बंद थोड़ा कटिया जाओ। गुरु साहब जी की कृपा से बख्श सदका भाई मनी सिंह जी के हिस्से वो शहादत आई। मौत आउंदी मनुख वालू देखी पर मौत वालू गुरु के सिख तुरदे आ। ये गुरु सूर्या ने जिहड़ा सिधांत साकुर ने बख्श किया सीस हाथ से रख के लड़ना। अज के युग के युग में कहणगे लोग पर मंजिल देखो कितों टाला साहब गुरुद्वारे तो तुर के गुरु रामदास पातशाह जी के उस पवित्र स्थान पर जाके जिहड़ी बर्दाश्त कीती सी उहदे उत्ते सतगुरु जी ने प्राण नभाया। उस माता नूं नमस्कार करदा जिहड़ी अपने बच्चे की शहादत तों बाद थल्ले धरती ते बच्चे नूं लटा के की कह रही सतगुरु जी इहदा सिदक निभ गया मेरा सिदक नभा दे। इह पवित्र गुरबाणी पंगती आपां पढ़न नूं बहुत सुखाली पर जिसले इहदे आत्मक अदरीब भाव ते बाहरी भाव देखते हैं वह बहुत बेलिया के हिस्से आउंदा। वह हिस्से आया साढ़े बहुत ही सत्कारयोग इस जैतों के मोर्चे के शहीद सिंघां के हिस्से, क्योंकि लम्मा बोलन का समा नहीं, खंड पाठ साहब की प्रंभता हो जानी है। सिखां दे विच गुरु साहब जी ने उस पिट भरी जिन्हों अपने पिंडे ते भी हंडाया। गुरु पंजम पातशाह जी ने, गुरु नौवें पातशाह जी ने आप शहादतां दे के ये जिहड़ा संगली पंथ दीआं पैड़ां चलाईआं। ते जिले आपां अंत दे विच देखदे आं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिस वेले संपूर्णता होई श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी ते 48 सिंघां दे विचों सारे सिंघ मुक्त हो गए, पर दो सिंघ सतगुरु जी ने धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन भाई मनी सिंह जी। ते मैं कई बार सोचदा किड्डा वड्डा उन्हें खजाना सानू पवित्र गुरबाणी दीआं हत्थ लिखतां, सतगुरु जी का मखार बिंद, भाई मनी सिंह जी की कलम, बाबा दीप सिंह जी की कलम ते हिस्से की आया। जे अज का कोई सिख मेरे वर्गा हुंदा ते शायद मेहनताना मंगदा ते गुरु साहब कोलों बख्शिश की कीती कि भाई मनी सिंह जी ये पवित्र गुरबाणी जिहड़ी तुसीं अंकित कीती इहनूं पिंडे ते हंडाउणा, बंद बंद थोड़ा कटिया जाओ। गुरु साहब जी की कृपा ते बख्श सदका भाई मनी सिंह जी के हिस्से वो शहादत आई। तो मैं सोचदा जिसले लिखारी का लिखण का ढंग भी हुंदा कि जिसले भाई मनी सिंह जी ने वो शहादत देनी सी ते जुल्म करन वाला डर गया, खिंबर गया, उन्हूं कहा भाई बंद बंद कट, वो कहिंदा तुहानूं चा कहदा, कहिंदे मैनूं चा आ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की बुकल दे विच जा के बहण दा। भाई मनी सिंह जी तो अलावा बाबा दीप सिंह जी जिन्हों का आप पिछे शहादत दिहाड़ा मना के हटे हाँ, उन्होंने हिस्से की आया सीस हाथ से रख के लड़ना। अज के युग के युग में कहणगे लोग पर मंजिल देखो कितों टाला साहब गुरुद्वारे तो तुर के गुरु रामदास पातशाह जी के उस पवित्र स्थान पर जाके जिहड़ी बर्दाश्त की उत्ते सतगुरु जी ने प्राण नभाया। मेरा कहण तो भाव ये जैतों का मोर्चा जिहदा बहुत बड़ा एक महत्व आ। महत्व की आ कि मौत आउंदी मनुख वालू देखी पर मौत वालू गुरु के सिख तुरदे आ। ये गुरु सूर्या नूं जिहड़ा सिधांत साकुर ने बख्शिश किया सी कि इस अस्थान के उत्ते अखंड पाठ खंडित किए, वो एक क्योंकि लंबी बोलन का समा नहीं महाराजे नाल संबंधित नाभे नाल, पर गुरु साहब ने कृपा की मैं सिदक देखदा उन्हां सिखां दा। उस माता नूं नमस्कार करदा जिहड़ी अपने बच्चे की शहादत तो बाद थल्ले धरती ते बच्चे नूं लटा के की कह रही सतगुरु जी इहदा सिदक निभ गया मेरा सिदक नभा दे। सानू सतगुरु जी ने
पवित्र जांच बख्शिश की सी, ये सिद्धांत बख्शिश किए सी, जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने माण ते सत्कार बख्शिश किया उन्हां दी पवित्र जात दे विच। भावें 21 तरीक नूं वड्डे समागम होने आ, पर 19, 20 ते 21 तरीक नूं ये तीन समागम वड्डे अज महान नगर कीर्तन उन्हां दी याद दे विच, कल नूं फिर उत्थे सारे गतके ते कीर्तन दरबार ते होर सारे 21 नूं वड्डा समागम होना। सो मैं धन्नवाद करदा मेरे वीर सरदार रजिंदर सिंह मेहता जिहड़े जनरल सकत्तर आ, क्योंकि मैनू तां समां नहीं मिलिया, बार बार दौड़ा रहा उन्होंने, तो धर्म प्रचार कमेटी बलविंदर सिंह कालमा, तो साढ़े इस हल्के दो सत्कारयोग मैंबर साहब सरदार शेर सिंह जी मंड और मेरी भैन बीबी गुरिंदर कौर भोलूवाल, उन्होंने सारिया ने प्रोग्राम उलीके आ। गुरु साहब कृपा करन, सरदार केवल सिंह जी बादल मेरा छोटा वीर वह भी चेचे तौर पर पहुँचे आ, सारिया का धन्यवाद करदा। एक बेनती निम्रता सहित करूँगा कि कीर्तन दरबार जां नगर कीर्तन, नगर कीर्तन दे विच जाना किन्हां दी याद विच आ, उन्हां दी याद विच जाना जिन्हां ने मौत नूं मोहरे भजाया, जिन्हां नूं मौत नूं सद्दा दिता कि आ जा मौते मैं तैनूं गल लाउण नूं तैयार हाँ। पवित्र गुरबाणी का वाहेगुरू सतनाम का जाप, मूल मंत्र का जाप करते जाइए, खाण नूं बहुत कुछ गुरुकिया संगतां निशावर कर दियां, अज खाण दा समां नहीं, अज उह महान पवित्र शहीदां दी याद दे विच पवित्र गुरबाणी गायण करके उन्हां तों सेध लैणी, सतगुरु जी उन्हां दी निभी सातों गुरमत अनुकूल सानू गुर शब्द की सोझी बख्शिश कर, तां कि खालसा पंथ जिहनूं अज बहुत वड्डियां चुनौतियां पैर पैर ते थां थां ते चुनौतियां, चुनौतियां भी छोटियां नहीं, समुचा प्रबंध खोण दा यतन किया जा रहा। पुराने वेले असी प्रबंध नूं अपने गुरु साहब ने कृपा बख्शिश करके श्रोमणी कमेटी के हाथ में दिता, अज लोकमें तौर के उत्ते एक पहला अलोकमा हुंदा, हुण लोकमें तौर पर सीधा एक सानू चैलेंज आ कि जिन्ने भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खेरू खेरू किया जाए उन्ना ही घट। आ पिछले दिन हजूर साहब बोर्ड का वो तुसी देखिया किवें चलिया, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 29 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਲਾਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਵੇਸਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀਓ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੋਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਸੀਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿੱਟ ਭਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਵਾੜੀ ਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਗਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਹਾ ਤਰਿਓ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਵੇਗੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਭਤਾ,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਇਹ 6 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।